પણ નથી કે અમે સમસ્યા વચ્ચે જીવીએ છીએ. એનું કારણ એ કે અમારું લક્ષ્ય પણ નથી. મારે શું જોઈએ છે, હું સેના માટે પ્રયત્ન કરું છું, મુજે ક્યાં ચાહીએ, મુજે કહાં પહોંચના હૈ, વો ભી મુજે માલૂમ નહીં. મેં કોણ હું યે મુજે માલૂમ નહીં. મેં કહાં સે આયા હું યે મુજે માલૂમ નહીં હૈ. મુજે કહાં જાના હૈ યે મુજે માલૂમ નહીં. પ્લેટફોર્મ પર ઉભા છે અને આ પ્લેટફોર્મ ઉપર હજારો ગાડીઓ આવે છે, જાય છે, દસે દસ દિશાઓમાં જનારી. આ રસ્તા વચ્ચે હું ઉભેલો છું. કોઈ તમને પૂછે ક્યાં જવું છે, આજે હું તમને પૂછે ક્યાં જવું છે, બોલો. બધી ટિકિટ મને મળે છે, મારી પાસે છે. ટૂર ટ્રાવેલ્સ નો એજન્ટ એટલે હું છું. આપકો કહાં જાના હૈ આપ બતાઈએ, મેં વહાં ભેજ સકતા હું. नरक में जाना है तो हमारे यहां उसका परफेक्ट रास्ता बताया. अगर आप ऐसा 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 करेंगे तो आप नरक में जा सकते हो. आपको तिरेज गति में जाना है तो आप इस प्रक्रिया से गुजरेंगे तो आप तिरेज में चले जाएंगे. साधु भी नरक में गए ऐसे हमारे यहां दृष्टांत है. साधु भी तिर्यंच हो गए ऐसे भी हमारे यहां दृष्टांत है. मल्लिनाथ भगवान जैसे भगवान, उनको भी कहीं से गुजरना पड़ा. भगवान महावीर को तीर्थंकर होते हुए भी कितने कर्मों के सामने जूझना पड़ा. उनको 12.5 साल में जो दुख गिरा उसका एक अंश हमारे पास अगर आ जाए, बहुत अजीब लगता है. दीक्षा का स्वीकार किया, दीक्षा महोत्सव हो गया और दीक्षा के अवसर पर भगवान महावीर को पिठी का लगाई, पीठ चोरी गई. उसमें जो खुशबूदार पाउडर यूज किया गया, भगवान का शरीर खुशबू से महक रहा. भगवान ने लॉन्च कर दिया, भगवान के अलंकार उतार दिया, भगवान ने देवदुष्य रख दिया और भगवान विहार कर रहे हैं. लेकिन वह सुगंधी पाउडर, सुगंधी चूर्ण, उसके स्मेल उनके साथ साथ जा रहे. और इस महक को जब जंगल में वो गुजरे, जब प्राणियों का आवास था, वहां से भ्रमर दौड़ते 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 आई, ये सुगंध कहां से आ रही. उनको लगा कुछ नया फूल आया, नया रस आया, नई महक आई. और भंवरे आके उनके आसपास घूमने लगे. शुरुआत कैसे होती है, भगवान के दुख की शुरुआत, सुख में से ही दुख की शुरुआत होती है. बिना सुख दुख नहीं आ सकता. अगर तुम्हारे पास सुख है तो दुख आएगा. और एक बात कह दो, दुख है तो सुख आएगा, अंधेरा है तो उजाला होगा, उजाला है तो अब ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा. बहुत सुख होने तब ये चिंता होना चाहिए, अगर ये सुख चला तो नहीं जाएगा. और हम सब उसी में लाइन में दौड़ते हैं. और इस दौड़ में जो सुख है उसका तो उपभोग भी नहीं कर पाते. आपके घर में जो सुख है, कभी सुबह पे यूं पकड़ के कैसा स्पर्श किया, कैसा इसका स्मूथ स्पर्श है, कभी देखा.
सुख है। हमने परचेसिंग किया, 50,000 का सोफा था और 70,000 का सोफा था और 1,25,000 का सोफा था। हमने पैसे के आधार पे 1,25,000 का सोफा ले लिया, लेकिन उस सोफा के साथ आपका अटैचमेंट क्या है? मेरा है वो अटैचमेंट, 1,25,000 में आया वो अटैचमेंट, लेकिन उसका स्पर्श क्या है? चलो 10 मिनट बैठता हूं, कभी शांति से घर में बैठे कोई विचार नहीं, बस आज घर में रहना है, एक एक घर का कोना कोना उसके साथ प्रेम करना है। किया कभी? जिस घर लेने के लिए आप कितने जूझे, आपने कितना कुछ किया। नहीं, हमारी वो शैली नहीं है, हमको दौड़ने का ही एक अंदाज है। हम दौड़ते जाए दौड़ते जाए दौड़ते जाए दौड़ते जाए, यहां पे ये है अब मुझे चाहिए, यहां पे ये है मुझे चाहिए, यहां पे ये है मुझे चाहिए, बस दौड़ते जाओ। जीना इसी का नाम है। हमारी दौड़ जब थ्रिल होता है, फील नहीं होता है, समझ में आया? जब थ्रिल होता है दौड़ 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 दौड़ते जाओ दौड़ते जाओ दौड़ते जाओ दौड़ते जाओ दौड़ते जाओ। और मुंबई की खासियत है दौड़ना, वो मुंबई की हैबिट है। यहां पे आदमी बैठा बैठा भी दौड़ता है, सही कह रहा हूं, बैठा बैठा भी दौड़ता है, इतना स्पीड इतनी स्पीड इतनी स्पीड दौड़ता है। एक दादा को लेकर के अपना पौत्र, चलो दादा बंबई, बंबई लेके आ, मैं आज ट्रेन में घुमाता, ट्रेन में बिठाए, खिड़की के पास में बिठाए, दादा को बैठ गए और पास में पौत्र बैठ गया। गाड़ी स्टार्ट हुई, अब इलेक्ट्रिक गाड़ी, जैसे स्टार्ट होती है एक आधी मिनट में तो, और फुल स्पीड में गाड़ी जा रही थी। पौत्र ने कहा, देखो दादा क्या दिखता है आपको, बाहर देखो, खिड़की में से बाहर देखो क्या दिखता है। दादा ने कहा, कुछ नहीं दिखता है। अरे दादा क्यों कुछ नहीं दिखता है, समझ में है? क्यों? स्पीड है। क्यों? जहां तुम्हारे पास स्पीड है वहां देख क्या पाओगे, देख क्या पाओगे? अचानक बच्चा बड़ा दिखता है ना, ऐसा होता है, अचानक बच्चा बोलता है तो लगता है इतना बड़ा हो गया, अभी तक देखा ही नहीं था। जब सामने बोलता है तभी देख पाते हैं, हाँ बच्चा बड़ा हो गया। जब कहना नहीं मानता है तब मालूम पड़ता है बच्चा बड़ा हो गया। जब सामने एक्सक्यूज आता है तब समझ में आता है कि बच्चा बड़ा हो गया, उसके पहले कभी बड़ा होते ही नहीं। जब सामने से आवाज आती है तब समझ में आती है कि शादी के 5 साल हो गए, उसके पहले समझ में नहीं आती। समय कहां निकल जाता है, इतना स्पीड में दौड़ते। मैंने भगवान तो कहा है कुछ सक गए ओस बिंदु है, अंजलि गए मत हो, हाथ से ऐसे पानी भर लो और फिर खड़े रहो, मारा नौकर घिनो, इसके बाद में पानी पियो, क्या पानी आएगा? टपकता जा रहा है, टपकता जा रहा है, टपकता जा रहा है, और उसमें भी हम इतने स्पीड में नहीं होता। एक बहन मॉल में गए, अब इतनी सारी चीज देखे, आप मेरे को सही में रखता है, अब बेचारा मेरे को घबरावट हो, इतनी सारी चीज देख करके आदमी मतलब घबरावट में आ जाता, क्या करो, ये लो ये लो ये लो, एक चीज की 10 ब्रांड 15 ब्रांड 50 ब्रांड और साला 10 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए तक की वही चीज मिले, आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, नहीं हो जाए? उसके सामने देखेगा अपने पॉकेट के सामने देखे, किसके सामने देखे? चॉइस ने आदमी को गुमराह कर लिया। गांवों में शांति थी, चॉइस बहुत अल्प थी, अब यहां पे तो एक मॉल में जाओ तो चॉइस कितनी, एक मिर्ची के अंदाज कितने बोलो तुम? हमको तो कभी हम टमाटर वापरते नहीं, वो कई बार पता है
तो उसमें लाला देते मैं उनको कहता हूँ भाई टमाटर आ गया मालूम नहीं पड़ते गुजरी ऐसे कैसे आते नहीं मास्टर ये रेड मिर्ची येलो मिर्ची ग्रीन मिर्ची जितने आदमी के प्रकार उतने मिर्चे के भी प्रकार हो गए कोई तीखा कोई मीठा कोई फिक्का ऐसे कई प्रकार के चॉइस में हमने देख लिया क्या यार लेकिन ये सभी चॉइस में देखना गुणवत्ता खत्म सिर्फ रूप दिख गया लाल दिखना चाहिए लेकिन जो टेस्ट था वो मक्के का टेस्ट अभी मिलता है मिलता है वो हमारे 30 40 50 साल पहले जो मक्की का टेस्ट था जो गेहूं का टेस्ट था जो बाजरी का टेस्ट था जो ज्वार का टेस्ट था वो टेस्ट मिलता है अभी चीकू अरे अभी तो इसको भी कलर होता है सब्जी को मालूम है सब्जी को भी कलर होता है आपको बिल्कुल तरोताजा ग्रीन दिखेगा अब ले लोगे लेकिन थोड़ा सा उसको गर्म पानी में डाल के धोगे तो सिबिल का रंग कैसे उतरता है लाली ना रंगाऊ मैं हरी ना रंगाऊ अपने ही रंग में रंग दे चुनरी भगवान ऐसा रंग चढ़ा दे धोबिया धुए सारे चाही सारी उमरिया श्याम पिया मोहे रंग दे चुनरी भगवान मेरे जीवन की ये चादर है पार्षणा दादा ऐसा रंग दे कई धोबी पूरी जिंदगी तक हमको धोए तभी ये रंग नहीं उतरे ऐसा हमको रंग जाना इतनी स्पीड में दौड़ना है वो भैन मॉल में गए देखा सब कुछ देखा उनको खरीदना था टीवी क्या खरीदना था टीवी सही स्पीड इतनी मेरे को ये भी लेना है 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 और स्पीड में सब निपटा के घर में पहुंचना है वहां जाकर ये काम करना है वहां जाके इस पार्टी में जाना है वहां जाके ये इसके बर्थडे है वहां जाके इसके हॉस्पिटल में जाना है आप कैसे रंग बदल सकते हो कभी तो मेरे लिए भी बहुत आश्चर्य की घटना होती है सर अभी 2-1 घंटे पहले तो किसी के घर पे जाकर रोते थे अरे वो चला गया बेचारा चला गया मैं कलकत्ता था पर कलकत्ता में छोटा था तो गोचरी जाना होता था तो मैं एक घर पे गोचरी करने के लिए गया तो तीसरी मंजिल पे गया तो वहां पे खड़ा रहा तो अचानक 8-10 बहन आई सफेद कपड़े पहन करके आई और बहुत खुश मिजाज में हंसते मस्ते खेलते कूदते आई और मैं जरा साइड में हो गया फटाफट वो ऊपर चले गए चौथे मंजिल पे चले गए अब मैं तीसरी मंजिल में बैठने गया धर्मराव जैसे बोला और जैसे मैं धर्मराव बोला और जोर से रोने की आवाज आई मैंने कहा मेरा तो हाथ थोड़ा ऐसा हो गया अब कोई रोए तो अपन को कैसे बर्दाश्त होता है मैं थोड़ा सा झिझक गया मास्टर क्यों क्या हुआ कोई रो रहा है अरे महाराज साहब वो तो 3 दिन पहले वहां पे एक व्यक्ति आदमी मर गया था आज ये लोग जो है ने रोने के लिए आए समझ में है इसलिए आए रोने तो तीसरी मंजिल पे तो हंसते हैं और जैसे चौथी मंजिल पे पहुंचते वैसे शुरू कर देते वो सब 10 मिनट तक ये तो चिल्लाएंगे रोएंगे और फिर वापस उनका वही हो जाएगा और 20 मिनट में तो वो चले जाएंगे इसमें कुछ घबराने की बात नहीं मतलब आर्टिफिशियल इतना मैं तो समझ में मेरे को चक्कर आया समझ में नहीं आया ऐसा कैसे हो सकता है फीलिंगलेस हमारे शब्द कैसे हो सकते फीलिंगलेस हमारे आंसू कैसे हो सकते फीलिंगलेस हमारा व्यवहार कैसे हो सकता है इतना विचार था मॉल में क्या खरीदूं बकुल ले उसने मुझे ये टीवी कितने में उसने बहुत अच्छा बढ़िया टीवी है ले लो मस्त है 3D दिखता है इमेज 3D है उसने ठीक है बोल कितने रुपए 3 लाख रुपए संजय भाई कितने का 3 लाख रुपए बहन ने कहा यार
सस्ता है इसमें? इसमें क्या विशेषता है? 3 लाख रुपए? अरे बहन जी, इसमें बहुत बड़ी विशेषता है। क्या विशेषता है? जब लाइट चली जाती है तब ये टीवी अपने आप बंद हो जाता है। अच्छा, ऐसा पैक कर लो, दे दो मेरा। समझ में आया? क्या हुआ? क्या हुआ? बराबर है ना? हमारी जिंदगी ऐसे चल रही है। हमारी जिंदगी कैसे चल रही है? हम जहां खड़े वहां होते ही नहीं है। और वो बोलता है, हम समझे इसके बेला तो हमारे पैसे बोलते रहते हैं। हाँ पैक कर ले। अच्छा, ऐसी भी सस्ता है? दे दे। अरे भले ही लाइट जाने के बाद में तो हम छोटे थे ना, तब तो हमको एक सिखाया जाता था। मुर्गे ने कहा था, मेरे को बोला कि एक साजा, एक तेरे को जॉक्स कहता हूं। हमारे गुरु ने हमको सब सिखाया, जॉक्स भी मेरे को बहुत प्यार, बहुत अच्छे यार, मस्त। तो मुझे बोलो, देखो मैं आपको वही बता देता हूँ, अब जरा काउंट करना, बोले काउंट करना। समझ लो क्या पायलट है। अब प्लेन बहुत मस्त तैयार हो गया, कलकत्ता से उसकी उड़ान है, बम्बई जाना है। तो कलकत्ता में बराबर गणित मैथमेटिक्स याद है ना? कलकत्ता में उस प्लेन में 70 आदमी चढ़े, प्लेन में बैठ गए और प्लेन उड़ा सीधा बंबई आए। बंबई में उसमें से कितने चढ़े थे? 70। बंबई में उस प्लेन का लैंडिंग हुआ, 10 आदमी उतरे और 12 आदमी उसमें चढ़े। कितने? 12। वहां से प्लेन गया चेन्नई, वहां पे 30 आदमी उतरे और वहां पे 20 आदमी चढ़े। समझ में आया ना कितने थे? फिर बॉम्बे में बराबर मैथमेटिक्स, और चेन्नई कितने? 30 उतरे और 20 चढ़े। वहां से प्लेन वापस चढ़ा, उड़ा धम धमा के और सीधा कश्मीर गया। कश्मीर जाने के बाद में वहां पे करीब 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 42-45, एक ही फिगर रखते, 45 आदमी उतरे। अब बताओ पायलट की उम्र क्या? नहीं, मेरे को तो इसको ही पूछना है। बताओ पायलट की उम्र क्या? मैथमेटिक्स नहीं, आपको नहीं बताना, बिल्कुल मेरे को बताना। मैथमेटिक्स पक्का है उनका? बोलो मौलिक, बोलो पायलट की उम्र क्या? कलकत्ता से उड़ा था, कहाँ गया था? बम्बई, बम्बई से चेन्नई, चेन्नई से कश्मीर। कितने थे? सब हो गया, सब पायलट की उम्र, सब हो गया, वो सब हो गया। ओके, मैं बोलूँ 10 उतरे 12 चढ़े, फिर चेन्नई में 20 उतरे और 20 चढ़े, वहां से कश्मीर गए, वहां पे 45 उतर गए। अब पायलट की उम्र बोलो मैथमेटिक्स पक्का हो चाहिए, मैथमेटिक्स पक्का होना चाहिए। मैं बताऊंगा, मैं बता सकता हूँ आपको संबंध तो मालूम है, और उसको संबंध मालूम है, इसलिए बता सकते। मेरे को कैसे मालूम? अरे मेरे को मालूम नहीं है, सही कह रहा हूँ। देखो पूरी सभा में एक है जिनको इसका जवाब मालूम, बोलो एक तो है ना। मैंने क्या कहा? एक मिनट, बहुत जल्दी मत करो, उमंग करेंगे लेकिन धीरे से, अटैक भी नहीं आना चाहिए। तो जल्दी जल्दी में कहेंगे ये टीवी कैसा है, लाइट बंद हो जाएगा, बोलो हाँ बाबा ले लो ले लो, जरा धीरे से बोलो।
सपोज आप पायलट थे मींस मेरी उम्र समझ गए मैं क्या बोला था बकुल भी तुम्हारी उम्र के लिए 70 हाँ तो पायलट नंबर के लिए थी 70 कहने मैं हूँ किधर तो समझी लो कि तुम पायलट छो तो उम्र कितनी पायलट की पायलट की उम्र कितनी जिसकी जो उम्र वो पायलट की उम्र क्योंकि पायलट कौन है आप वो कितने चढ़े कितने उतरे कहाँ गया कहाँ उतरा उससे मतलब ही क्या है बोलो आप संबंध है कि नहीं पायलट की उम्र से और संबंध है क्या नहीं है समझ में आया ये बोलने का तरीका होता है समझ गए सिर्फ हमने सोच के वो बोल दिया लाइट जाती है एक घर ऐसा था हमको वहां पे उतारा दिया 12वीं मंजिल था और हमको उतारा दिया हमको मान सब ठहर जाओ ठीक है चले जाते हैं ऊपर गए दरवाजा खोल अब हमारा जो उतारा होता है उसमें क्या लाइट कनेक्शन नहीं होती तो चलता है पानी का कनेक्शन नहीं होता तो चलता है पानी आता है तो भी चलता है मतलब सब कुछ चलता है अब गजब क्या हो गया मालूम है क्या हुआ मालूम संजय हमने जैसे खोला हमने कहा लाइट वाइट नहीं नहीं लाइट वाइट है कनेक्शन ही नहीं है लेकिन क्या करें हमने अंदर गए और देखा एक खिड़की पे डोरी से बल्ब बांधा हुआ है किससे रस्सी से रस्सी से बल्ब को बांध दिया गया था और हमने खोला अंदर गए हमको काजा लेना होता है हमने दंडासन लिया और काजा जैसे लेने लग गए तब अचानक हमारी नजर बल्ब के ऊपर गिरी और बल्ब बंद था बुझ जाए बंद था बुझ जाए बंद था बुझ ऐसा ही होता है क्या होता था ऐसा होता था वो मैंने बताया था मारी दू कानवा तू ऐसा सब गड़बड़ होती है हमारा माइंड स्टेबल नहीं होता अगर हम स्पीड में जाते हैं अंजलि गयम वयम गलत तमाम न पिछंती आज हमारा सब्जेक्ट है हम सुख के पीछे दौड़ रहे हैं हम जिंदगी जी रहे हैं लेकिन कैसी हमको मालूम भी नहीं है ऐसी जी रहे हैं हर घड़ी हर क्षण हम श्मशान के पास में पहुंच रहे हैं कितना भी दूर भागो लेकिन आपको वापस आपकी एक दूरी कम होती जा रही है किससे मृत्यु से आपकी दूरी डिस्टेंस आपका डिस्टेंस कम होता जा रहा है वो हमको मालूम भी नहीं हम कहां पे भी जाए कितना भी दौड़े कहीं पे भी कितने भी दूर चले जाए लेकिन मृत्यु के पास ही हमारी गति है झरना कोई भी पर्वत पे ऊपर से किसी भी दिशा में फूटे बहे लेकिन सभी नदी की दिशा एक ही है कौन सी मात्र समुद्र समुद्र जिस दिशा में है नदी गिरते गिरते झरना गिरते गिरते नदी होते 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 कहां जाएगी जिधर समुद्र है वहां जाएगी हम काहे चाहे जो सा कपड़ा पहने काहे चाहे जो चीज खा ले चाहे जिस तरीके से हम जिए लेकिन हम कहां जा रहे हैं हमारी पटरी हमारी लाइन कहां जा रही वहीं जा रही जहां मृत्यु है जहां श्मशान है जहां हमारी राख है जहां हमारे संपूर्ण अस्तित्व का नाश है वहीं जा रही बड़े हो या छोटे हो हम गुलाब जामुन खाए या सूखा रोटा खाए लेकिन हमारी स्पीड हमारी गुजरना एक ही दिशा में हम वहीं जा रहे हैं कहां जहां मृत्यु है कल से एक दिन और कम हो कल से एक दिन और कम हो गया
तो हमारे जीवन में इजी से इजी धर्म कौन सा? भगवान हम कितना बड़ा द्वाद संगे विस्तारित सागम नहीं कर पाएंगे, हमको इजी सॉल्यूशन चाहिए, हमको ऐसा सुख चाहिए जो इजी से इजी और उसी का बेनिफिट हमको उसी वक्त मिलना चाहिए। समझ में आया? मोबाइल अच्छा ले लिया, अच्छी कंपनी का ले लिया, लेकिन फोन आते इतने हैं, व्हाट्सएप आते इतने हैं, मैसेज आते इतने हैं कि दूसरे जो फीचर्स है उस फीचर को देखने का टाइम है तुम्हारे पास है? जो फीचर्स 8,000 10,000 12,000 में मिल जाते हैं वही फीचर्स तुम किस मोबाइल में देखते हो? 1,00,000 रुपए का मोबाइल क्या मिलता है? स्टेटस क्या मिलता है? स्टेटस, मेरे पास ये मोबाइल, मेरे पास एप्पल का मोबाइल, मेरे पास ये मोबाइल, मेरे पास ये है, बस कितना सुख, खाली अब बोल दो, अब खाली बोल दो, इतना ही सुख। इसलिए एक शिष्य ने गुरु के पास में जाकर के बोला, गुरुदेव इतना सब पढ़ेंगे लिखेंगे मेरे से नहीं होगा, आप मुझे छोटी सी शिक्षा दे दीजिए, एक वाक्य में धर्म मुझे दे दीजिए, एक वाक्य में हमें सुख की परिभाषा दे दीजिए, एक वाक्य में हमको सही रास्ता दे दीजिए जो इजी। आज कौन सा प्रश्न है? इजी। आज मैं आपको कह रहा हूं, न तत्व याद नहीं है तो चलेगा, जीव विचार याद नहीं है तो चलेगा, तत्वार्थ नहीं पड़ेगा, कुछ भी ज्यादा नहीं याद है तो चलेगा, अरे नवकार महामंत्र भी अगर पूरा याद नहीं है, खाली मेमोरी हंतरण याद है तो भी चलेगा, लेकिन ये शिक्षा बहुत इजी है जिससे हम हमारे जीवन को स्वीकार कर सकते हैं। बहुत बढ़िया एक लाइन है, इजी का अर्थ है सहला, बिल्कुल सरल। उसके लिए एक श्लोक है, वो भी गुजराती, लाखों ग्रंथ तपासता, लाखों ग्रंथ तपासता, बाता मिली दोए। अब ये तो कुछ काम का नहीं है तो पछतावना हो गई। अब ग्रंथ एक लाइन में पूरा होता है, ग्रंथ एक आधी लाइन में पूरा होता है, लाखों ग्रंथ तपासता बाता मिली दोए, सुख देवत सुख होत है, दुख देवत दुख होत। धर्मपुर द्वादश अंगी पूरी, 45 आगम पूरे, गुरु साहब ग्रंथ पूरा, कुरान पूरा, बाइबल पूरा, सिर्फ दो लाइन, एक लाइन कौन सी? लाखों ग्रंथ तपासता बाता मिली दोए, दो बात मिली, कितने भी ग्रंथ पढ़ लो, कितने भी तीर्थ यात्रा कर लो, कितने भी प्रवचन सुन लो, कितने ग्रंथ पढ़ लो, लेकिन चीज एक ही है, कौन सी? सुख देवत सुख होत है, दुख देवत दुख होत, बस इतना समझ रहे तो काम पूरा हो। और कुछ चाहिए? लेकिन शुरुआत यहीं से होती, हमारी जीवन शैली भी इसी आधार पे हो और आपकी जीवन शैली भी इसी आधार पे, आप भी सुख की खोज में हो, हम भी सुख की खोज में हैं, तो मैं पन सुख लेवा माटे दौड़ो छोने, मैं पन सुख माटे दौड़िए छे, अमे ना कहिए छे ये पन सुख लेवा माटे, तमे लो छो ये पन सुखी थवा माटे। कॉन्ट्रास्ट कैसा है? कॉन्ट्रास्ट कैसा है? आप जिसके लिए दौड़ते हो उसका भी एम एक ही है क्या? सुख। हम जिसको छोड़ रहे हैं उसका भी एम एक है क्या? सुख। अब हम समझ में आए क्या सही है, आपकी दिशा सही है, हमारी दिशा सही है, कौन सी दिशा सही है? मैंने पहले बताया सुख देवत सुख होत है, दुख देवत आपका पूरा सुख का रास्ता सुख के लिए,
लेकिन लोगों को दुखी करके सुख लेने की इच्छा है। समझ गया? जीव दूसरे जीव को दुख देकर के अब सुखी हो रहे। आप देखिए, अब आपका धंधा देख लीजिए, कितने को दुख होता है। आपने रसोड़ा में जाकर के गैस चालू किया, अरे सुबह उठे और सीधा नल चालू किया, पानी लिया, आग पे छाटा, सीधे स्विच ऑन करी, लाइट चालू करी, आपको सुख मिला, अंधेरा चला गया, पानी से आपकी सुस्ती चली गई, सुख मिला, लेकिन कितने दुख पर आपको सुख मिलता है? कितने जीव मरे, कितने जीव मरे? एगम में उदग बिंदु में जे जीवा जिने वरे पन्नत्ता के जे सरस्वमित्ता जम्बू दिवम नमायंती। रजब की बात मौलिक। पानी काचू पानी, ए पानी ने तमें लो, एमाथी एक बिंदु लो, पानी ना एक बिंदु ने तमें लो, અને લેબોરેટરીના રિસર્ચ સેન્ટરમાં જઈને એ પાણીના એક બિંદુને મૂકો અને ત્યાર પછી માઇક્રોસ્કોપ લગાવો અને એમાં જે જીવો છે ઉસમેં જો જીવ હૈ ઉસ જીવ કો અગર એનલાર્જ કરકે સરસું કા દાના દેખા હૈ રાઈ રાઈ કા દાના જિતના બડા કર દો કિતના રાઈ રાઈ के दाना उसके दाने जितने अगर उसका कद कर लेते हैं और एक करके निकाल के यहाँ रखते हैं, एक 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 निकाल के यहाँ रखते हैं, तो धीरे 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 ये भरा जाएगा, 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 ये उपासना का पूरा हॉल भरा जाएगा, फिर ये पूरा संकुल भरा जाएगा, फिर पूरा ठाकुर विलेज भरा जाएगा, फिर कांदीवली भरा जाएगा, फिर बोरीवली भरा जाएगा, फिर अंधेरी भरा जाएगा, फिर संता क्रूज भरा जाएगा, फिर मुंबई भरा जाएगा, फिर महाराष्ट्र भरा जाएगा, फिर इंडिया भरा जाएगा। यूं करते 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 1,00,000 योजन का जम्बूदीप वो पूरा भरा जाए। इतने जीव, इतने जीव एगम्मी उदग बिंदुम्मी, एक पानी के बुंद में इतने जीव है, इतने जीव वाले पानी की पूरी बाल्टी शुरू कर दी और पूरी धवाए नमः अभिषेक कर लिया। एक नियम करो, एक भाई ने नियम किया, मैं स्नान करते वक्त उतना ही पानी यूज करूंगा जितना मेरे शरीर पे ही टच हो, इस तरीके से मैं स्नान करूंगा। समझ में आया? अब जितना मन डालते वो सभी पानी का शरीर को टच करते हैं, करते हैं? कितना टच करता है बोलो, एक कैलकुलेशन लगाना। एक बाल्टी भर के आपने पानी लिया है, आप स्नान कर रहे हैं, तो एक बाल्टी में से आपके शरीर पे जाने वाला पानी कितना और नहीं जाने वाला पानी कितना बोलो तो? हमारा तो माइंड ही नहीं है, हम तो इतने फास्ट पहुंचते, बाथरूम में जाते हैं तब चाय की तैयारी होती है, चाय की तैयारी होती है, वहां पे बैग की तैयारी होती है, बैग की तैयारी होती है, वहां कपड़े पहनने की तैयारी होती है, वहां पे ड्राइवर को फोन कर देते, ऊपर से नीचे उतरते उतरते तो 3 फोन कर देते, मैं निकल गया हूं, मैं आ रहा हूं, मैं ये रहा हूं, और वहां जाकर कहां कहां क्या कर रहे हैं कोई मालूम ही नहीं है उसके। एक बाल्टी अगर पानी है, आपने बाउल लिया और पानी डालते गए, कितना बाउल चाहिए स्नान करने के लिए बोलो, एक बाल्टी चाहिए बोलो जल्दी, कितने बाउल चाहिए पानी? शरीर शुद्धि के लिए कहीं अगर पानी की जरूरत पड़ी तो कितना पानी चाहिए? 5 बाउल, 6 बाउल, 7 बाउल, और एक बाल्टी में कितना बाउल आएंगे? 20-25, और उसमें भी शावर चालू कर दिया आप लोग, समझ में आता है क्या हो रहा है? मेरे यूज में भी नहीं आ रहा है। जो नेसेसरी हिंसा है ने, वो तो समझ में आया, लेकिन अननेसेसरी 6 बाउल चाहिए और हमने 25 बाउल पानी वेस्ट किया, उसके जिम्मे
जिम्मेदार कौन है? अब क्या आप समझ सकते हो कि आप सुख दे रहे हो कि दुख दे रहे हो? हाँ, फिर वो कोरोना बनकर के आए तो प्रॉब्लम क्या है? है हमारा पाप कितना हो रहा है? सुख देवत तो सुख हत है, दुख देवत तो दुख हो। अगर हमने लोगों को दुख दिया है, हम बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम सुख दे रहे हैं, सुख ले रहे हैं। समझ में आया? हम अक्सर दुख दे रहे हैं और सुख ले रहे हैं। हमारा गणित उल्टा है, हम दुख दे रहे हैं ज्यादा और सुख ले रहे हैं। अब वो जो सुख लिया वो टिकेगा क्या? टिकेगा? एक प्रसंग सही में हुआ है। अहमदाबाद में एक ऑफिसर था, बहुत बड़ा ऑफिसर था, और उस ऑफिसर अच्छे तरीके से भगवान को प्रार्थना करता था। जीवन में सब कुछ अच्छा था, करप्शन बिल्कुल लेना नहीं, झूठ बोलना नहीं, सही तरीके से सादगी पूर्ण जीता था। वो था, उसकी पत्नी थी, उसकी बच्ची थी, उसका एक बच्चा था। बच्चा पढ़ने के लिए लंदन गया और लंदन पढ़ रहा। अब यूं करते 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 इनके शांति से जीवन चल रहा था, संतुष्ट थे। घर में सुख होना वो पैसे के आधार पर नहीं होता है, घर में सुख होता है समय के आधार पर होता है। आप घर में समय कितना दे पा रहे, आप दूसरे की फीलिंग्स कितनी समझ सकते हो, उसके आधार में धर्म हो, उसके आधार में घर सुख मिलता है। आपके पिता के फीलिंग्स समझ सकते हो, आपके माता के फीलिंग्स समझ सकते हो, आपके नौकर की फीलिंग्स समझ सकते हो, आपकी पत्नी की, आपके बच्चों की फीलिंग्स समझ सकते हो। पर फीलिंग्स, पैसा अगर फीलिंग्स में यूज होता है तो सुख है, और पैसा सगौण में, संपत्ति में, साधनों में व्यय होता है वहां कभी भी सुख नहीं हो सकता। समझ में आया? पैसा चाहिए लेकिन साधनों के लिए नहीं, साधनों के लिए नहीं। अच्छा से अच्छा बर्थडे है, मेरे बच्चे का बर्थडे है और आपने 1,00,000 रुपए का मोबाइल लाया और उसको गिफ्ट कर दिया, उसको खुश किससे किया तुमने? साधन से, सगवर से सुख दे दिया, ठीक है। अब 1,00,000 रुपए का मोबाइल तो दे दिया, 15 दिन हो गए और उसने मांगा, पापा एक काम करो मुझे 10,000 रुपए। क्यों, क्या काम? पापा ये मत पूछ, मैंने 1,00,000 रुपए का मोबाइल आप गिफ्ट कर सकते हो, मेरे को 10,000 रुपए नहीं दे सकते हो। चलो 10 दिन के बाद में अगर 1,00,000 रुपए का मोबाइल तुमने गिफ्ट किया है और 10 दिन के बाद वो 10,000 रुपए मांगेगा तो देख सकते हो कि नहीं दे सकते? बोलो बोलो जल्दी, दे सकते हो। लेकिन क्यों ऐसा पूछा? तो उस बच्चे ने कह दिया, पापा ये मत पूछो। क्यों नहीं पूछो? बोलने क्या काम? पापा मुझे मोबाइल की आवश्यकता नहीं थी लेकिन मुझे मेरे दोस्तों के साथ में रहने के लिए, मेरी बर्थडे पार्टी के लिए उन्होंने कहा था तो एक पार्टी का, और मैं उनको नहीं बुला पाया, तो आज मैंने पार्टी रखी है और हमने इस होटल में पार्टी रखी और हम सब ड्रिंक्स लेने वाले हैं, 10,000 रुपया दो। बोलो क्या लगेगा? दोगे? दोगे? नहीं दोगे। अब क्या होगा बोलो, इसका परिणाम क्या आता आगे बोलो, क्या आता है बेटा? नहीं नहीं, क्या होगा, क्या बोलो ने? महाभारत, महाभारत नहीं, महाभारत शब्द से उसको समेटो मत। क्या होगा आगे, क्या होगा बोलो? नाराज हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, फिर नेगेटिविटी बढ़ेगी और क्या होगा? बच्चा ये करता है, ये मोबाइल लो या फिर 1,00,000 का मोबाइल वो बेच देगा, लेकिन 8-10,000 रुपया लेके बांटी। समझ में आता? कितने में गया वो मोबाइल? 10,000। अगर उस दिन आपने किया होगा, बोल बेटा कैसा है? सर दोस्तों को बुला देते, अपन घर में महफिल करते, आप घर में अपन अच्छे खिलाते पिलाते, ऐसा करते। उसको पूछो तो सही क्या चाहिए, और सुख की आदत,
साधनों से सुख की आदत बच्चे को मत लगाओ और वो खुद अपने में भी साधनों की आदत पर लगाओ। साधनों से सुख वो नहीं। हमारे यहां बर्थडे भी है तो हम भी विश करते हैं, लेकिन क्या होता है, क्या करता है वो? वंदन करता है, द्वसार्थ वंदन करता है, वह सक्षम डलवाता है। गुरुदेव कुछ हित वचन बोलो, कुछ इस डायरी में लिखने दो, आज मेरी बर्थडे है, इस डायरी में आप मुझे हित शिक्षा लिख के दे दो। पर वो हम लिखते हैं, लिखते भी क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मेरे ये 10 भगत है, ये भगत तेरे को सुपुर्द कर दिए, वो लिखेंगे। अरे किसी के आधार पे ही हम नहीं जीते, किसी साधन पे ही हम नहीं जीते हैं। तो साधन देने का मतलब ही नहीं है, हम देंगे तो क्या देंगे, बहुत बड़ा आगे बढ़ चले काम कर, इतने आगे लिखी हो, वो मांगता भी क्या है मालूम, मांगता भी क्या है। हमारे शिष्य हर चतुर्मास बैठता है और चौमास 14 पे आकर के बैठते और मांगते, गुरुदेव एक आज्ञा दो, जन्मदिवस होता है एक आज्ञा दो, दीक्षा दिन होता है एक आज्ञा दो, हम बैठते हैं क्या आज्ञा दे गुरुदेव, 500 आमे अखंड करना आज्ञा, ऐसा मांगे विथ म्यूजिक। हम कोई ऐसी आज्ञा मांगते हैं तो सुख लाखों ग्रंथ तपासता बाता मिली दोए, सुख देवत सुख होत है दुख देवत, आधी लाइन याद रहेगी तो भी चलेगा, कौन सी लाइन, सुख देवत सुख होत है दुख देवत दुख होत। अब वो ऑफिसर बहुत अच्छा है, बच्चा वहां पढ़ रहा था, कुछ मालूम नहीं और अचानक ऑफिसर घर पे आए, क्या हुआ, लड़के का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी ने टक्कर लगाई है, सीरियस है, हॉस्पिटल में एडमिट है, घर का पूरा माहौल बदल गया। सीधी अपने घर में मंदिर था, घर में एक एक स्थल ऐसा रखना चाहिए जहां बैठकर के हम हमारे मन को पूरा खोल सकते हैं, ऐसी एक चीज, एक खूना, सबसे घर में इंपॉर्टेंट वो जगह है जहां बैठकर के आप हर रोज 7 नौकर गिनो, 12 नौकर गिनो, 27 नौकर गिनो, 108 नौकर गिनो, लेकिन हर रोज वहां पे उसको अच्छी ऊर्जा देती जाओ, ऐसा समय होगा और वहां पहुंचेंगे आपको पूरा एनवायरनमेंट ऐसा मिलेगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे। भगवान के पास उसके भाई की गड़ गई, उसके बच्चे भी आए, बैठ गया भगवान से प्रार्थना, बैठ गए और बैठने के बाद में भगवान हमारे पास स्टडी लाइफ सीधी लाइफ है, सीधी सीधी चल रही है, ऐसा कैसे हो सकता है, प्रश्न किया किससे, भगवान से। आप भगवान को सब कुछ कह सकते हो, ऐसी आपकी भगवान के साथ में रिलेशनशिप चलना चाहिए, संबंध होना चाहिए, तुम्हें माता पिता नेता देवो धर्म गुरु पर कुछ छुपाने की आवश्यकता नहीं, भगवान ऐसा है ऐसा हो गया, ऐसा है ऐसा क्यों हुआ, प्रश्न भगवान से करो। घर में एक रूम ऐसा रखो, एक खूना ऐसा रखो कि जिस कोने में जाकर क्या भगवान से बात कर सकते। ऑफिसर रो रहा था, दोनों भगवान से प्रार्थना करने के बाद में बाहर निकली, पत्नी आई पर बोले कि ऐसा हो नहीं सकता, मेरे बच्चा लंदन में पढ़ रहा है, उसको एक्सीडेंट हो नहीं सकता, समझ में आया, ये खुआ मेरा खराब हो नहीं सकता, अगर आप भगवान के साथ है, भगवान आपके साथ है तो खराब नहीं हो सकता, मैंने कुछ खराब किया नहीं है तो मेरे बच्चे का खराब होगा कैसे। उसने कहा आप सोचिए कुछ खराब हुआ है आपसे। तीनों बैठ गए, लड़की वाइफ और ऑफिसर, तीनों बैठ गए, भगवान से प्रार्थना जो करना था कर ली, वो हॉस्पिटल में है, आपके विचारों की असर होती है, आपके विचारों की असर होती है,
अमेरिका में इसका प्रयोग किया गया। बैंक के अकाउंट काउंटर के पास में एक व्यक्ति जॉब कर रहा था। आने वाला सभी कस्टमर लाइन में खड़े रहते थे और ये कहते थे इसी काउंटर से हम पैसा लेंगे। काउंटर 5-7 थे लेकिन दूसरे काउंटर खाली रहते थे और इस काउंटर के पास में लाइन लगती थी। काउंटर बंद होने का समय आता था तो वो कहता ठीक है कल आएंगे, चले जाते थे। 3-3 घंटा बैठने के बाद में वो चले जाते थे, दूसरे दिन आते थे लेकिन उसी काउंटर से पैसा लेते। दूसरे काउंटर खाली रहता था, वो आदमी यूं ही बैठे रहते थे। मैनेजर ये सब गौर करता रहा। उसने मालिक को बताया कि ऐसा हो रहा है, बड़े अफसर को बताया ऐसा हो रहा है, लोग यहां से लेते नहीं पैसा, यहीं से लेते। ऐसा समाचार आता है सबसे पहले तो हमारे को क्या विचार आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? सबसे पहला विचार कौन सा आता है, नेगेटिव या पॉजिटिव? एक काम करो, पहले स्टॉक मेंटेन करो, तलाश कर लो। उसको अपने 1 करोड़ रुपया दिया, उसने 5-7-8-10 क्लाइंट को पैसा दिया, कितने दिए हैं? हो सकता है उसको गणित बराबर नहीं हो, कोई 50,000 मांगता हो तो उसको 60,000 दे देता हो, 55,000 दे देता हो, इसलिए लोग लाइन में खड़े रहते। सबसे पहले हमारे मन में नेगेटिव विचार आते हैं। समझ में आया? तकलीफ है ना, ये दुख यहीं से शुरू होता है। किसी को देखा तो नेगेटिव विचार आए या पॉजिटिव विचार आए? आप खड़े और दो व्यक्ति वहां पे बात कर रहे हो, उसमें कहीं आपका नाम बोल दिया आप यहाँ बैठे और वहां पे आप दो जन बात कर रहे हो, उसमें कहीं एक व्यक्ति ने आपका नाम बोल दिया और दूसरे ने जरा ऐसा कर लिया, अब आपका अखंड जाप चालू रहेगा, नमो निरंकार। क्या बोला होगा? तुरंत नेगेटिव विचार आ गए। अरे आपके लिए कोई अच्छा भी बोल सकते हैं, आपके लिए कुछ तारीफ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या आएगा? आपको ऐसा लगता है कि वो दो व्यक्ति मिल करके आपकी प्रशंसा कर, आपकी सराहना करे, ऐसा आप सोच सकते हो? बोलो ना, ये और गहराई की बात कर रहा हूं। तुम्हारा हृदय ये बोल रहा है कि मैं अच्छा हूं ही नहीं, मेरी निंदा ही करेंगे, घंटी पर से तो खुद है। तीनों बैठ गए भगवान के साथ में प्रार्थना करने के बाद याद करो, उन्होंने सोच लिया कि तलाश करो, पूरा रिपोर्ट तैयार किया। नहीं यार, जितना पैसे देता है उतना ही जाता है, क्लाइंट 10,000 तो 10,000 ही डॉलर जाता है, और कुछ जाता नहीं है, इसका सब कुछ परफेक्ट है। अब हम सबसे पहले हमारी औकात के बिना दूसरे की एग्जाम देना शुरू कर देते हैं। हमारी औकात नहीं होती है, फिर भी हम दूसरे की एग्जाम लेना प्रारंभ कर लेते हैं। भाई तू तो पास हो, तेरे कोई मैथमेटिक्स याद नहीं है, तू स्वयं कितने चढ़े कितने उतरे उसमें उलझा हुआ है, पायलट तू है और तेरी उम्र पूछ रहा हूं, तब तू वहां उलझा हुआ है, कितने बैठे हैं कितने उतरे, कितने बैठे हैं कितने उतरे, कितने बैठे हैं कितने उतरे, तू तेरे में तो परफेक्ट हो जा नहीं है। अब तीन और थे, उनको पूछा भाई तुम कुछ कम देते हो? अब दूसरे उसके ऊपर से हट गया, अब किसके ऊपर आया? और जो तीन थे उसके ऊपर आया कि भाई तुम जो मांगते हो उससे कम पैसे देते हो, क्या करते हो? वो भी परफेक्ट था। अब बोलो, अब दूसरा कुछ विकल्प नहीं है, अब जो क्लाइंट है ना उसका इंटरव्यू लेना पड़ेगा। और बड़ा ऑफिसर आने के बाद में जो लाइन लगी थी उनको बुलाया, आप आइए, अब इसी काउंटर से पैसा क्यों लेते हो? अरे हमारी मर्जी, आपको जो चाहिए उत्तर नहीं मिले तो उलझोगे आपके वो, क्योंकि आपने आंसर लिख के रखा है। कभी कई लोग आते हैं हमारे पास में और मेरे को प्रश्न करते हैं, मौलिक मैं उनको पूछता हूं ये मेरा कितना नंबर है, प्रायश्चित भी लेने आते हैं तो भी ऐसा करते हैं, और 10 आचार्य के पास में प्रायश्चित लेगा वापस मेरे पास भी आएगा, हमारा सब इसका प्रायश्चित, हमारा सब एक क्वेश्चन, मेरा कितना नंबर है वो तो बोलते हैं।
जब तक उसने फ्रेम बनाई है उसमें फिट नहीं होते हैं, वहां तक वो घूमता रहता है और गुरु जो गुरु कहेगा नहीं अब चलेगा, हाँ ये मेरे फ्रेम में फिट हो गया, अब ये मेरे गुरु। मेरा आंसर सही नहीं होता है, आपका स्वीकार सही होता है। बहुत बढ़िया, समझ गए? बहुत बढ़िया। हम जो कहते हैं वो सही नहीं होता है, आपके मगज में बैठता है तो सही नहीं हो, सही होता है, आपके अगर मगज में नहीं बैठा तो हमारा जवाब गलत। आपने जवाब का आंसर तो लिख के रखा है, अब न तो इसमें बैठा न तो उसमें बैठा, अब ड्राइंग को बुलाया, अब उसी काउंटर से क्यों लेते हो पैसा? उसमें तो हमारी मर्जी, मेरे को पैसा लेना है, हम वेट करते, हमारा कोई एक्सक्यूज नहीं है, हम कुछ वो भी कंप्लेंट नहीं कर रहे, हमको यहां से लेना है इसलिए हम लेते, क्यों पर? अरे हमारी मर्जी नहीं, नहीं ये मर्जी नहीं, सही जवाब दो। अरे सही जवाब क्या दे? तुम्हारे को जो चाहिए वो जवाब नहीं मिले इसके लिए हम जवाबदार नहीं है। दूसरे को पूछा, तीसरे को पूछा, चौथे को पूछा, क्यों करते 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 सभी ने कहा हम उस काउंटर से हमारे पैसा लेते हैं, वो पैसा हमारे विचार को शुद्ध करता है, उस पैसे से हम जो भी खरीदते वो परमानेंट देता है, अच्छा होता है, सुख होता है, उससे हमारे घर में उन्नति है, मेरी दुकान उससे अच्छी चलती है, वो पैसे से उन्नति बरकत होती है। क्या होती है? बरकत होती है, इसलिए हम उस काउंटर से लेते हैं। अब तो और प्रश्न गहरा हो गया उपवास नहीं होता था, आए वहां सक्षम डाला मिथ्या बार गया, उपवास अच्छे होने लगे। अब मेरे को पूछा साहब आपने उसको क्या डाला? मेरा पारना हो गया उसको नहीं हुआ, क्या बताओ? उसमें कुछ अलग बोलते हो, मेरे में कुछ अलग बोलते हो, क्या करते बोलो, सही बोल दो। क्लेम कभी भी लग सकता है, कुछ भी लग सकता है, समझ में आता है? दोषारोपण करने के लिए कोई सिचुएशन की आवश्यकता नहीं है, कभी भी किसी के ऊपर लगा सकते हो, समझ में आया? बकुल भाई ये गलत सोच रहे हो, मैंने बोल दिया ऐसा, बोलो क्या करोगे? ये गलत सोच रहे हो। अरे मैं क्या सोच रहा हूं? नहीं गलत सोच रहे हो, क्या सोच रहा हूं? गलत सोच रहे हो। अब पांच बार बोलोगे तो गलत तो हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो गलत हो जाएगा। दोषारोपण करना बहुत बड़ी चीज नहीं, स्वीकारना बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी चीज। ये अच्छी नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, निंदा करना बहुत सरल है, लेकिन अपने बच्चे को भी मोटिवेट करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अरे मेरे को इसका वखान करना है, मेरे को मेरे बच्चे का वखान करना है, वो शब्द बोलने में कंजूसाई करेगा। अब आज शिविर का लाभ इन्होंने लिया है, अब तो जगरू साहब भाणा साहब बोलो में क्या प्रॉब्लम होता है तुमको? लेकिन वो भी नहीं 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 आपने लाभ लिया, अच्छा अच्छा किया, अनुमोदना करता हूँ, क्यों मैं ऐसा क्यों? और मेरी होती तो अरे हम मेरे मेरी तरफ से शिविर है, मैंने बहुत लाभ लेना है, बस मुझे बहुत लाभ मिल गया, ऐसा बोलेंगे क्यों? मन किसी की सराहना करने के लिए शब्दों को क्यों यूज नहीं करते हो? अरे यार आज ये दाल किसने बनाई? अरे यार मस्त बनाई है, मस्त बनाई है, ऐसा बोल सकते हो? और ये बनाने वाले मेरे घर में सबको जो जो पसंद है वैसे मैं बनाऊंगा, इसमें क्या है? दो मिनट ज्यादा लगती है, पांच मिनट ज्यादा लगती है, लेकिन सबको सेटिस्फाइड हो इस तरीके से मैं बनाऊंगी, ऐसा सोचते हो? देखो हाँ साग बना दी दूसरे, रोटी बना दी दीछे, दाल बना दी, साग बना दी दूसरे, आ मिठाई बॉक्स आपका फ्रिज पास है, ले ले जो अरे जमी ले जो, बराबर जी सर, जी सर, समझ में आता है? मेरे को जाने का देर हो गई, 20 मिनट से वेट कर रहा हूं, आपको मैंने शाम सुबह बोल दिया था मेरे को बाहर जाना है, 7 बजे आ जाना, मेरे को 7:30 बजे पहुंचना है, लेकिन आप 7:10 पे आए। अब देखो ये सब रखा है, अब खा लेना, मैं जा रही हूं, मजा आएगी नहीं, मजा आएगी नहीं आएगी? हाँ हमारा भी तो कुछ एटीट्यूड होता है ना, हमारा भी कुछ। रुदन को गीत में बदलने की कला सीखो, हार को जीत में बदलने की कला सीखो, रुदन को
गीत में बदलने की कला सीखो। अगर जिंदगी की असलियत पाना चाहते हो तो वैर को भी प्रीत में बदलने की कला सीखो। जिंदगी असलियत आज है जहां लोगों ने वैर देखा तो है ये जगह पर मानस प्रीत करी सके, या अन्यों ने समस्या देखाती हो एक जगह की समाधान मिलवी सके, या दुख देखा तो है एक जगह ऐसी पोतानो फायदो पारखी काढ़े खरो मानस ए छे। અને હકીકતમાં આ કલિકાળની અંદર જીવવાનો અધિકાર પણ એને છે, કારણ કે જ્યાં જોઈએ ત્યાં ચારે બાજુ દુઃખના ડુંગર તો દેખાવાના છે। કારણ કે સુખ એ આસાનીથી મળતું નથી, સુખ કદી પૈસો આસાનીથી મળે, પૈસો આસાનીથી મળે, લગ્ન સીધી રીતે થઈ જાય, લગ્ન સીધી રીતે થઈ જાય, થઈ જાય ટકે નહીં, થયા પછી ટકે નહીં, ઠેકાણ વગરનું રે એને હાચા લગ્ન। જે હકીકતમાં આપણને સાચું સુખ આપી ન શકે એને આપણે તો હકીકતમાં સુખનો ભ્રમ કહેવો જોઈએ। અને જો હકીકતમાં આપણે સાચું જીવન જીવવું છે, આ 50-60-70 વર્ષની જિંદગી મળી છે એટલે એમાં કઈક સુખનો અનુભવ કરવો છે, છેલ્લા વર્ષોની અંદર એમ થાય કે અમે જીવ્યા અને સંતોષ થાય ના કઈક સારું કર્યું છે, કઈક તો સુખ મેળવ્યું છે, કઈક તો મારાથી લોકોનું ભલું થયું છે, મારા જીવનથી કેટલાને સંતોષ થયો છે, અને કદાચ મારા ગયા પછી કઈ કેટલા લોકોની આંખોમાં આંસુ હશે, આવું કઈક આપણે કર્યું હોય આવો સંતોષ થાય ને તો માણસ શાંતિથી શ્વાસ છોડી શકે, નહીં તો બહુ પૈસા ભેગા કર્યા પછી પણ અંતિમ સમય માણસ રડતો હોય, દુખી હોય, મેં આટલા પૈસા ભેગા કર્યા, આટલી સંપત્તિ મારી થઈ ગઈ, પણ તો મને ખબર છે કે આ ભેગા કરવા માટે મેં કેટલાયના નિશાસા લીધા છે, આ રૂપિયા ભેગા કરવા માટે મેં લોહી પાણી એક કર્યા છે, મેં મારી પત્ની સાથે અન્યાય કર્યો છે, મેં મારા દીકરાને સાચું સુખ આપ્યું નથી, મેં એને સાચા સંસ્કાર નથી આપ્યા, અરે મારી સાથે વર્ષો સુધી જેણે પાર્ટનરશિપ રાખી મને એની સાથે પણ દગાનો વિચાર આવેલો, એને ઓછા ટકા મળે ને મને વધારે મળે આવા પ્રકારના વિચારો આવેલા, કદાચ એ વખતે ટેમ્પરરી આપણને ફાયદો થઈ જાય, પરંતુ એ કરેલી અનીતિ ક્યારેક ને ક્યારેક આપણને અંતરમાં ખૂંચે, શું કહું છું, ચોરી કરનારા માણસોની પણ ટીમ હોય ને, એ ટીમની અંદર પણ એ માણસને પોતાની કરેલી અનીતિ મેં નક્કી કરી હતું આપણે કરશું, ધાર પાડશું, અડધું અડધું વેચી લઈશું, અને એની અંદર ક્યાં ગરબડ ગામડું કર્યું, દાકીના હલે લીધા પેલા ઓછું આપ્યું, એ અનીતિ ચોર જેવા ચોર માણસને પણ અંદરમાં તો ખૂંચે, એટલા જ માટે જેની પાસે નીતિમત્તા છે ને એની પાસે આંતરિક સુખ છે, સમસ્યાનું સમાધાન એવું હોવું જોઈએ કે જે સમસ્યા આપણને અંતરથી સુખી કરે, બહારથી કદાચ સુખી કરી દે, દેખાવ કદાચ આપણો સારો કરી દે, કદાચ આપણને જોઈને લોકો બળ્યા કરે, સારું કેટલા રૂપિયા કમાઈ ગયો, હમણાં 2-5 વર્ષ પહેલા જેવું ત્યાં તો આટા ફેરા કરતો હતો, સવારના 8 વાગ્યાથી નીકળતો હતો ને રાતના 8-9 વાગ્યા પાછો આવતો હતો, અને મહિને 10-15 હજાર માંડ એને સરીસો મળતા હતા, અને આજે 5 વર્ષ થયા છે શું બાપુ સુટેડ ઉટેડ
कपड़ा पहरे ने मर्सिडीज गाड़ी लेने फरे छे सी खबर क्या नो क्या पहुंची गयो आउ जुए अंतर में माणस सुखी थाय के बड़े कोई ने अपना आवाज जोया पछी शू थाय आनंद आवे शू थाय कैक ने कैक तो फ्लोचो लागे छे आपड़ा सुख ने જોઈને આપણી સંપત્તિ ને જોઈને આપણા દેહાર ને જોઈને જો કદાચ કોઈને અંદર માં ઈર્ષા થતી હોય જો કદાચ કોઈને અંદર માં બળતરા થતી હોય જો કોઈને ખરાબ ભાવ આવતા હોય જો કોઈને ચોર નું મન થતું હોય તો સમજી રાખો આપણી અંદર પણ ક્યાંક ખોટું છે તીર્થંકર પરમાત્મા ને એટલા માટે તો વિશેષતા એ કીધી ભગવાન જ્યાં જાય ત્યાં સવાસો યોજન ની અંદર ક્યાંય કોઈ પણ પ્રકારનો ઉપદ્રવ ન થાય 363 પાખંડીઓ પરમાત્માના સમક્ષમાં આવે પરંતુ જેવા ભગવાનના સમક્ષમાં આવે અને એ વખતે ભગવાન જે બોલે એટલે બિલકુલ સહજ રીતે સાંભળતા જાય સાંભળતા જાય સાંભળતા જાય એ વખતે તો ચૂપ કે ચા કરવાની તાકાત એ લોકોની પરમાત્માના એકમાત્ર અસ્તિત્વની તાકાત હોય આસપાસનું ક્લાઇમેટ આખું બદલાઈ જાય દુનિયાની અંદર તો દુઃખ દેખાવાનું જ છે અને સુખની ઈચ્છા દરેકનો હોવાની જ છે પરંતુ મજાની વાત એ છે કે આ દુઃખ એનું સોલ્યુશન ક્યાંથી લાવવું આપણે પરફેક્ટ સોલ્યુશન લેવું છે સોલ્યુશન તો જોઈએ છે પરંતુ પાછું એવું જોઈએ છે કે જે સોલ્યુશન બીજા પાસે ન હોય આપણી પાસે હોય ને એવું હોય એક પરફેક્ટ હોય એકદમ એક્ઝેક્ટ હોય કે જેનાથી ફરી પાછું દુઃખ ઊભું ન થાય પી એટલે પ્યોર જોઈએ યાદ કરો इफेक्टिव रियल
ફાઈન હોય આપણને પાછું ગમવું જોઈએ. એક માણસને પ્રોબ્લેમ છે, એને તો કે યાર બહુ પ્રોબ્લેમ છે, ક્યાંક સલાહ લઉં, પણ એને કોઈ સાચા ગુરુ મળ્યા નતા. એને તું પેલા શેઠ બહુ પૈસાદાર છે, ચલો જઈએ એની પાસે કઈક સોલ્યુશન મળશે. અને શેઠ તો જમાનાના ખાધેલા હતા. તું આવ્યો કે બોલ ભાઈ ક્યાં કામ હે? અરે જરા મુશ્કેલમાં હું. ક્યાં હુઆ ક્યાં? અરે ઇતની તકલીફ હો ગઈ હે, મેરે પાસ ખાને કે લિયે ભી પૈસા નહીં હે, મેં પરિવાર કો ખિલાઉં ક્યા? મેરે પાસ ખાને કે લિયે ભી પૈસે નહીં હે. આજ સુબહ કુછ ખાયા હો તો શામ કો ક્યા ખાઉં, ઉસકા ભી ટેન્શન રહેતા હે. ઓર યે તો એક તકલીફ હુઈ, ઇસમે જ્યાદા તો એસા હુઆ કે અભી એક હફ્તે મેં દો બાર મેરે ઘર મેં ચોરી હો ગઈ. એક તો કુછ હે નહીં और थोड़ा बहुत जो घर में पड़ा होता है, जो सोना चांदी जेवरात, एक हफ्ते में दो बार मेरे घर में चोरी हो गई. और सेठ जी अभी तो मेरी लड़की भी जवान हो गई है, तो उसकी भी शादी करानी है, और मेरा बच्चा भी है, तो उसकी भी शादी आएगी, उसको भी नया घर देना पड़ेगा, छोटे घर में रहता हूँ, कितनी जवाबदारी है, और अभी तो मैं छोटा हूँ, मैं करूँ क्या? इतनी सारी समस्या है, खाने के पैसे नहीं है, घर में चोरी हो जाती है, और काम जवाबदारी बहुत बड़ी है, अब क्या करूँ? શાંતિ વિચાર કર્યો, આમ મુજ પર હાથ કર્યો, એક બેટા એક કામ કર, એક સોલ્યુશન એસા હૈ. અરે હા બતાઈએ બતાઈએ, મુજે એસા સોલ્યુશન ચાહીએ કે ઉસમે તીનો તીન પ્રોબ્લેમ મારે સોલ્વ હો જાય, મેરે ખાને કી ચિંતા વો ભી નિકલ જાય, મેં પરિવાર કી ચિંતા કરતા વો ભી નિકલ જાય, ઓર મેરે ઘર મેં અક્સર ચોરીયા હોતી રહેતી હૈ, વે ભી વો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ હો જાય. સેઠ એક કામ કર, તુજે ઇતના બઢિયા ઉપાય હૈ, અગર તું મેરી માનેગા, એક કામ કર, કુછ ભી જ્યાદા સોચ વિચાર મત કર, हर रोज की 50 बीड़ी पीना शुरू कर दो. सुखी दू हर रोज की विचार बड़ी करे, क्या बात है? अरे सेठ जी खाने के पैसे ले रहे, तू चिंता मत कर. मैं क्या कहता हूं, हर रोज की 50 बीड़ी पीना शुरू कर दे. अरे पर सेठ जी मेरा प्रॉब्लम तो आप सुनो. अरे बिल्कुल, तेरे तीनों प्रॉब्लम उससे सॉल्व हो जाएंगे. तूने कहा ना कि मुझे खाने का प्रॉब्लम है, क्या खाओ उसकी चिंता रहती है. तू जैसे इतनी 50 बीड़ी पीना शुरू करेगा ना, बस ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता 15 दिन तेरा खाना कम हो जाएगा. तेरा खाना ये व्यसन ज्यादा करे, ज्यादा करता है, उसको भूख कम लगती है, तेरा मुंह छोटा हो जाएगा, तेरे को भूख ही कम लगेगी, खाना ही कम जरूर पड़ेगी, फिर वो खाने की टेंशन. और तूने कहा मेरे घर में एक हफ्ते में दो बार चोरी हुई, तू 50 बीड़ी पिएगा ना, पूरी रात तू खा 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 करता रहेगा, फिर तेरे घर में कभी चोरी. दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व. और तीसरा प्रॉब्लम क्या था? बेटी बड़ी हो रही है, बच्चा बड़ा हो रहा है, बहुत काम कर रहा है, अभी मैं करूं कैसे? अभी तो मेरी जिंदगी. अरे तू 50 बीड़ी पिएगा ना, ठीक 6-12 महीने में तो तू तेरा राम बोलो भाई राम हो जाएगा, जवाबदारी सबसे मुक्त हो जाएगा, तेरे तीनों प्रॉब्लम सॉल्यूशन तो बता दिया. लेकिन हमको ऐसा सॉल्यूशन चाहिए नहीं, हमको परफेक्ट चाहिए, जो प्योर हो, जो इफेक्टिव हो, जो रियल हो, जो फाइन हो. ये कैसा था? इजी था. लेकिन इजी ऐसा नहीं चाहिए कि जिससे हमारी जिंदगी पूरी तहस नहस हो जाए. सॉल्यूशन ऐसा चाहिए. इसीलिए सॉल्यूशन कैसा हो, इससे बड़ी बात यह है कि आप सॉल्यूशन कहां से लेते हो. कौन सी बड़ी बात है? सॉल्यूशन कैसा है, उससे बड़ी बात यह है कि सॉल्यूशन लेने के लिए आप कहां पर जाते हो. सबसे बड़ी बात यह है, मैंने कहा था, जिसके पास समर्थ गुरु है सबसे बड़ा भाग्यवान वो है. जिसके पास समर्थ गुरु है सबसे बड़ा भाग्यवान वो है, क्योंकि जिसके जीवन में गुरु नहीं, जिसके माथे गुरु नहीं, वास्तव में उसका जीवन सूर्य नहीं होता है. देखिए आप इतिहास को देखिए, मैना दुखी हो गई, राजा ने जिसको घोड़िया घोड़ हुआ है, रोग हुआ है, जिसके
कोड़िए पति को उसके साथ दे दिया, जाते साथ इसके साथ कर, अब से ये तेरा पति। अब सोचने जैसी बात है, मैना क्या करेगी, राजकुमारी थी, उसके बाद भी कई दासी थी, उसकी भी मम्मी थी, उसकी भी टीम, पूरी टीम थी, वो चाहे तो कोई ना कोई दूसरा रास्ता ले सकती थी या मन नकार सकती थी। अरे नहीं, मैं कैको शादी करूं इनके साथ में, मेरा कर्म होगा, मैं जाऊंगी। अभी तो मैंने कहा आप करो ऐसा नहीं होता है, जो कर्म करे ऐसा होता है, तो इस मामले में भी आपको ऐसा नहीं होगा, मैं जिसे चाहूंगी वो मेरा पति होगा, आप कौन हो जो मुझे इसके साथ भिड़ने वाले। लेकिन मैना ने ऐसा नहीं करा, मैना इस समस्या के अंदर टूटी भी नहीं, ठीक है कैसा भी हो, लेकिन उनकी ताकत एक व्यक्ति को मेरे साथ जुड़ने की थी, लेकिन मेरा पुण्य तो मेरे साथ है, मेरा पुण्य तो मेरे साथ है, मेरे कर्म मेरे साथ में है, मेरा सुख दुख मेरे साथ जुड़ा है, अगर मैं मन से बिल्कुल तैयार हूं तो दुनिया की कोई ताकत मुझे दुखी नहीं कर सकती। लोग बोलने लगे, देखा ये धर्म धर्म की बातें करती रहती है, क्या हुआ? और तब जाकर मैना ने देखा इसका सॉल्यूशन कहां आएगा, कहां गई वो, कहां गई वो पूछ सकती थी वो श्रीपाल को, श्रीपाल तेरा राज्य कहां है, ससुराल किधर है, तेरे माता पिता किधर है, तेरा राज्य किधर है, तू कहां रहता था, तेरे पास कितनी बुढ़ी थी, क्योंकि वो भी 700 कोड़िया उसका अधिपति था, जैसा तैसा वो भी राजा था, लेकिन वो और कहीं कहीं भटकी नहीं, सीधी हो गई किसके पास, गुरु के पास। मेरे कारण धर्म का कुछ भी कोई कम बोले खराब बोले, सॉल्यूशन के लिए गुरु के पास गई, गुरुदेव पूछते कुछ उपाय करो। वास्तव में है ना, एक भी जैन दुखी हो उसकी जवाबदारी पूरी संघ की होती है, संघ का मोभी बनना, संघ का आगेवान बनना, मतलब कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पूरे संघ के अंदर अगर कोई दुखी है, अगर एक भी जैन दुखी है, तो उसकी पूरी जवाबदारी संघ के जो आगेवान है, संघ के जो मोभी है, जो सत्ताधीश है, जो संपत्तिवान है, जो समाज में सेठ रूप में कहलाते, उसकी वो जवाबदारी बनती है कि मेरा जैन कभी दुखी होना नहीं चाहिए। अगर वो कुछ गलत करता है, अगर वो यहाँ आकर यहाँ से पड़ी हुई सौखी नोट उठा के ले जाता है, तो इतना गुनेगार वो है, इससे ज्यादा गुनेगार वो है कि इसको ऐसी चोरी करने की जरूरत क्यों पड़ी। आती बात समझ में? और इससे ज्यादा जवाबदारी गुरुद की होती है, इससे ज्यादा जवाबदारी सदगुरु की होती है, कच्छ नायक की होती है, आचार्य की होती है, कि अगर संघ के अंदर आगेवान उसके विचार सही है या नहीं है, वो सभी का देखता है कि नहीं है, उसकी स्थिति कैसी है। कभी ऐसा भी होता है कि संघ का आगेवान हो, सेठ हो, लेकिन कुछ बात की चक्कर बदल जाए और उसकी हालत खराब हो जाए, पीढ़ी चेंज हो जाए, लड़का उसका नहीं माने, धंधे में बरकत ना हो और खराबी आने लगे, तब आचार्य भगवंत ने यह भी कार्य किया है, श्रेष्ठी है तू, तेरी जवाबदारी है, तो सबसे पहले तेरी स्थिति पावरफुल होना चाहिए, तेरी स्थिति कमजोर हो, ऐसी एक भी बात समझ में फैलनी नहीं चाहिए। सागर जी महाराज ने अजीमगंज के सेठ, उसको प्रॉब्लम आ गया, लड़के को काल सर्प हो गए और आए गुरुदेव के पास, गुरुदेव सेठ तो हूं मैं, पैसा बहुत है, लेकिन तकलीफ ये कि मेरे लड़के और उसके कुंडली के अंदर ज्योतिषी ने बताया काल सर्प योग है, अब क्या करूं। सागर जी महाराज ने कहा चिंता मत कर, जब तक अपना शासन है, जब तक अपने शास्त्र है, जब तक अपने आगम है और जब तक अपने ये मंत्र तंत्र है, तब तक बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और आत्मोद्धारक सागर जी महाराज साहब ने ऐसी विधि कराई, उसके लड़के का काल सर्पयोग दूर हो गया, पूरी मंत्री में सर्प आता है लेकिन जाता है दूर चला जाता है, उसके लड़के कुछ कर नहीं पाता है। ये ताकत वाले सागर जी महाराज थे, ये ताकत वाले गुरुदेव होते कि जब भी कोई आपत्ति आ जाए, शांति दिया सेठ, तकलीफ हो गई, गुरुदेव ने उपाय किया, रात को बुलाया, मंत्र पाठ करवाया, पीछे से सांप आता है यहां तक आ जाता है, जिप को टच करा दे, तेरी पीढ़ी की पीढ़ी सुधर जाएगी। ये सब प्रयोग किसने किए? जैन पीड़ित होता है, जवाबदारी किसकी है? आगेवान की, संघ की, सृष्टि की। और अगर वो कोई आपत्ति में आया तो जवाबदारी किसकी बनती है? इसीलिए आचार्य बनना बहुत जोखिम का काम है, कच्छ का नायक बनना, पूरे कच्छ की जवाबदारी, पूरे कच्छ की चिंता करना, वो बहुत ही बड़ी बात होती है।
सभी समस्याओं का सॉल्यूशन सद्गुरुदेव हमेशा चिंता करते, हमने देखे कच्छाधिपति सूर्यदेव सागर सूर्यसिंह महाराज रात को 2 बजे कभी कभी उठते देखा तो भक्त जी बैठे रहते थे, ऐसे ऐसे करते थे। हम पूछते गुरु जी आप क्यों कर रहे हो, अभी तो रात को 2 बजे आप लेट जाओ सो जाओ, आप करते क्या हो। और 2-3 बार पूछने पर एक बार तो गुरुदेव ने बताया, अरे अभी 3 दिन पहले सूरत से एक साध्वी जी भगवान का पत्र आया है, उनकी उम्र ज्यादा है और उन्होंने जो लिखा है आलोचना के अंदर उसका प्रायश्चित देना है, मैं किस तरह उसका प्रायश्चित दूं, वो प्रॉब्लम किसी तरह सॉल्यूशन हो, उनकी उम्र भी वो आराधना कर सके और वो पाप नहीं जाए, उसका सही उपाय मुझे आगम का चिंतन करके ढूंढना है। रात के 2 बजे वो साध्वी जी की चिंता करते ऐसे दक्षिण आए, ऐसे तैसे ही खाली पाठ में बैठते वो आचार्य बन नहीं सकते, उनके लिए बहुत जवाबदारी निभाना पड़ती है। और आप देख रहे हो पूरे समाज को जोड़ने के लिए कितनी ताकत वो गुरुदेव लगाते, और इसीलिए अपने जीवन के अंदर अगर एक नियम होगा ना, समस्या का सॉल्यूशन कैसा भी हो लेकिन मुझे पाना कहां से, वकील से नहीं, कहां जाना है गुरुदेव के पास, बस इतनी अगर चीज हमने नक्की कर ली ना, नियत कर ली तो अपने पास, नहीं तो फिर ऐसा सॉल्यूशन आ जाएगा रोज की 50 पीढ़ी। हमको सॉल्यूशन चाहिए लेकिन ऐसा इजी नहीं चाहिए कि जिससे जिंदगी खराब हो जाए, हमको सॉल्यूशन चाहिए इजी तो चाहिए लेकिन इजी वो भी ऐसा चाहिए कि जो हमारे भीतर में आंतरिक सुख की उत्पत्ति कर सके। अगर भीतर से हम हताश हो गए, भीतर से हम नर्वस हो गए, भीतर से हम दुखी हो गए, तो चाहे मेरे शरीर के ऊपर सोने के जवाहरात होंगे फिर भी भीतर से तो मैं सड़ा हुआ होगा। अगर मेरा मन बिल्कुल प्रफुल्लित है, मन के अंदर सौंदर्य है, तो मेरे शरीर पर खाली सिंपल कपड़ा होगा ना तो भी उसका मन प्रसन्न होगा। और ऐसी प्रसन्नता हमको मिले, ऐसा सुख हमको मिले, ऐसा समाधान हमको मिले, ऐसे समर्थ गुरुदेव मिले, ऐसा शासन मिले, ऐसी खुमारी मिले और ऐसे संप्राप्ति कर कर हम सच्चा समाधान प्राप्त कर, यही मंगल। પરિસ્થિતિ જુદી છે પણ તમારા મનને એને ક્યાં કરવા એ વસ્તુ જુદી છે, જો તમે કોઈ પણ ઉપસર્ગ આવે એને જો મન મનમાં નહીં લો તો ઉપસર્ગ લાગશે નહીં। કેટલા બધા ઉપસર્ગો મારી શરીર ભગવાન આવ્યા, કેટલા બધા ઉપસર્ગો ઘણા બધા સાધુ સંતોને આવ્યા પણ એ લોકોએ એક જ વસ્તુ રાખી આ ઉપસર્ગો મારા ઘરમાં થયા છે અને મેં બોલાયેલા છે, એમને મેં ઇન્વિટેશન આપ્યું છે ત્યારે આવેલા છે, જો ઇન્વિટેશન આપી ન હોત તો આવત નહીં, અને એ ઉપસર્ગ એમને પોતે પોતાની રીતે સ્વ કર્યું। ઉપસર્ગ ખ્યાલ નથી છિદ્યંત વિઘ્ન વધારે, દરેક ઉપસર્ગનો કંઈક ને કંઈક જિંદ હોય છે અને તે એ રીતે છિદ્યંત વિઘ્ન વધારે, જે કોઈ ઉપસર્ગ આવે છે એને દૂર કરવાના પ્રયત્નો આપણી પાસે કરવા આપણે કરી શકીએ એમ છે। ઉપસર્ગ ક્ષરનું છિદ્યંત વિઘ્ન વધારે, કોઈ પણ વિઘ્ન આવે એ વિજ્ઞાનને દૂર કરવાની તાકાત કોની છે, ઉપસર્ગ ક્ષરનું છિદ્યંત વિઘ્ન વધારે, મને પ્રસન્નતા આવે નહીં, આપણું મન પણ એટલું પ્રફુલ્લિત રહે કે કોઈ પણ ઉપસર્ગ આવે તો આપણે સહન કરી શકીએ, ક્યાં તો એ ઉપસર્ગ ઉપસર્ગ પણ લાગે નહીં અને આપણે આપણી રીતે ચાલ્યા કરીએ, પરંતુ એનું કારણ એક જ છે પૂજ્યમાન જનીશ્વર પ્રભુની પૂજા। પ્રભુની પૂજા કરવા માટે મહત્વની વાત એ છે કે તમે પૂજા કેમ કરો છો, પહેલી વાત એ તમારા વાત દાદા કરતા હતા કે તમે કરો છો, તમે પુણ્ય પ્રાપ્ત કરવા માટે તો બધા પૂજા કરો છો કે પછી તમારા કર્મનો ક્ષય માટે કરો છો, હકીકતની અંદર પૂજા કરવાથી કર્મનો ક્ષય નથી થતો પરંતુ પૂજા પૂજા કરવાથી પુણ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે, પુણ્યની પ્રાપ્તિ એના માટે થાય છે કે તમે સુખી બનો, તો સુખી બનવા માટે કયું સુખ જોઈએ એવું
મહત્વની વાત છે. જો તમારે સુખ જ જોતું હોય તો દુનિયામાં એટલું બધું સુખ છે, પણ એ સુખ ક્યારે આપણને સ્વસ્થ નથી. એનું કારણ એ સુખ શાશ્વત સુખ નથી. તમે ઇન્દ્ર બનો, દેવ બનો, રાજાના રાજા બનો, ચક્રવર્તી બનો. આજે ચક્રવર્તી છે, આવતીકાલે નરક પણ જશે, કાં તો કોઈ પણ ગતિમાં જશે, ત્યાં દુઃખ જ આવવાનું છે. એટલે એ વસ્તુ છે કે તમે કોઈ પણ પુણ્ય કરો, તે પુણ્ય તમને દુઃખ તો દૂર કરે છે, સુખ પણ આપે છે, પણ એ સુખ કાન માટે રહેતું નથી. કાન માટે સુખ રહેવા માટે પુનર્ભૂમિ પુણ્ય જોઈએ, અને એની સાથે સાથે કર્મનો ક્ષય પણ જોઈએ. કર્મનો ક્ષય નહીં થાય તો એ પુણ્ય તો બધું કામ લાગશે નહીં. એટલે કર્મનો ક્ષય ક્ષય કરવા માટે પહેલાં બધું દવા છે આપણી પાસે તપશ્ચર્યા. ડાયરેક્ટ કર્મનો ક્ષય કરવા માટે આપણે તપ કરીએ તો ઓટોમેટિકલી એ કર્મ ક્ષીણ થાય છે. એ ક્ષીણ કરવા માટે ઘણા ઘણા ઉપાયો છે. બધો ઉપાય परिस्थिति है तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, बोलिए क्या बोलोगे, बोलो एक दिन बोलो, एकाध व्यक्ति बोलो क्या करोगे इस परिस्थिति. हाँ, आपको 7:30 बजे पहुंचना है, आपने सुबह से बोल दिया था 7:10 पे आए हैं, अब आपको निकलना भी है, समझ में आया. और उनको क्या बोलोगे, कैसे बोलोगे, क्या बोलोगे. और आप भी, आपको 7 बजे आना था, बोल दिया था, लेकिन 10 मिनट लेट हो गए, अब उसको जाना है. इस परिस्थिति को आप कैसे हैंडल करोगे, ये भी सामायिक है. उस वक्त डिशम डिशम नहीं होना, वो भी एक सामायिक है, समझ गए. मौन रहने से कुछ नहीं होता है, मौन रहने से कुछ नहीं होता है. बोलना तो पड़ेगा, मेरे को जाना है तो मैं जा रही हूं, ऐसा बोलना पड़ेगा. अब क्या करोगे बोलो. सबसे पहले मैं बहनों को कहता हूं, क्या करोगे बोलो. एक तो बोलो यार, अब तो दो दो बहुओं की सास हो. हाँ, क्या बोलोगे. ओके, बोलो. और किसी को बोलना है कुछ. जवाब गलत है. मैं बैठा हूं यहां. जज क्या करते हैं, ऑर्डर 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 इज परफेक्ट. उन्होंने जो कह दिया वो कह दिया, वो गलत थे, ये सही है. अब आपको पूछता हूँ, आप क्या बोलेंगे. मैं ऐसा बोलूंगा कि ખોટો જવાબ છે. આ ભાઈ નો જવાબ સાચો છે. ये मेरा वो कृष्ण की भूमिका में रहना पड़ेगा. कोई तो कौरव है, कोई तो पांडव है. मनवा तू ही रावण, तू ही रावण, मनवा तू ही रावण, तू ही रावण. इनका जवाब भी गलत है, इनका जवाब भी गलत. अब इसी वाक्य को, इसी घटना को पॉजिटिव रूप में बोलो, नेगेटिव रूप में. आपने क्या बोला, अब मोड़ा आया सुन, तुम्हें तुम्हारी मैंने जमीन. आज दिवस મારે જવાનું છે અને તમે મોડા પડી ગયા છો તો તમે તમારી મેળે ખાઈ લે. આ જવાબ છે. તમે એને અહેસાસ કરાવો છો કે મારે આજનો જ દિવસ જવાનું હતું, તમે મોડા જે પડ્યા છો. આ નેગેટિવ ફીલ થાય છે, સમજ ગયા. એ સાયકોલોજી જ કહી રહા હું, ઓર યે મેં કહી રહા હું કે યે જરૂરી હૈ. યે વચન સમિતિ હૈ, ભાષા સમિતિ હૈ, વચન ગુપ્તિ હૈ, ઇસકો ઇગ્નોર નહીં કરના ચાહિયે. યે ધર્મ હૈ. आपको क्या बोलना चाहिए, बस. बहुत सारू थे, नहीं नहीं बहुत सारू थे, तमे आवी गया. अजी जो 5 मिनिट लेट हो तो तुम्हारे बहुत प्रॉब्लम थी जा. चलो जल्दी आवी जाओ तो मैं जमाड़ी दूँ. समझे. तमे आओ जो बोलो, मतलब ऐसा बोलो तो
सामने सब बोलेगा हाँ यार मेरे को 10 मिनट लेट हो गई है और तेरे को कितने बजे पहुंचना है, मेरे को 7:30 बजे पहुंचना, कहीं नहीं जा मैं जमीन में हूं, 5 मिनट मोड़ो पहुंचे, नहीं नहीं उम्मीद है एक काम कर तू जा। आपको जो शब्द निकालना है ना वो निकालने का तरीका आपको आना चाहिए, और वहां तक अगर आप जिमाओगे तो एक काम करने चल ऐसे नहीं जमी लिए और एक काम कर तारे जाऊं मोड़ जाए हूं तारे मुको आओ नहीं पॉसिबल से भाव बनी सके समझ गए। और आपने बोला 7 बजे सुबह से बोल दिया था 10 मिनट लेट आए तो एक काम करो मेरे को आज पहुंचना है, आप थोड़े लेट हो गए एक काम करो आज आप आपके तरीके से थोड़ा सा जिम लेना, ये जवाब और ये अभी मैं जो बोला इस जवाब में क्या बोलना चाहिए प्रैक्टिकल जीवन उन्होंने जवाब आवड़ता परंतु आउ बोलू कितनू कठिन छे कि आजे गौण मने बोली जा शक्य नथी कितनी बड़ी ग्रंथियों मनमाथी काढ़ो त्यारे तमे आउ जीवी शको કેટલું બધું મનમાં ભરાયેલું છે ખબર લગ્ન ના દિવસ થી હા લગ્ન ના ટાઈમે પણ તમે મળ્યા હતા ત્યાંથી ચાલુ થાય અમે બધા રાહ જોઈને બેઠા હતા અને તમે જાન લઈને મોડા આવ્યા હતા અમારે કશો તકલીફ પડેલી છે ત્યાં સુધી પૂરા આવી જાય હવે કે આવે હવે કે ના બોલો તો મારું છે હું ના બોલે જન્મ્યા હતા મોડા લેકિન એસા चलो अबे तुम्हारो वारो समझ गए। हम अगर ऐसी लैंग्वेज हमको बोलना है तो हमको कितना सुधारना पड़ेगा हमारे माइंड को कितना सुधारना पड़ेगा तब जाकर हम ये सब बोल पाएंगे। नहीं बोल सकते कोई आवे नहीं क्या महाराज साहब सारू नहीं सारू नहीं क्या बोले क्या महाराज साहब सदा मचो ने सरस छे क्या महाराज साहब सारू नहीं ये लोग वाक्य नेगेटिव है वाक्य नेगेटिव है मतलब मेरा वासुके नाखो के नहीं आपके शब्द आपके व्यक्तित्व को बाहर खोल देते हैं। आप मत भूलिए आपके घर में हम आएंगे 10 मिनट बैठेंगे आपका अंदर का जो व्यवहार आएगा हमको मालूम पड़ जाएगी ये घर में नेगेटिव कितनी है और पॉजिटिव और आपकी बात 10 મિનિટ મોડું થયું છે ને હવે એમ હું 8 મિનિટ કેપ તક કરે છે ના તો શું કહેવાય તમે જોયું મારે ટાઈમ થી નીકળું તો મને વેલા પહોંચ્યું તો પણ લેટ થઈ ગયું તો તું ચિંતા ના કર તું જા જે પણ બનવું જોઈએ હા જો अच्छा मकान देखकर ऐसा नहीं लगता तुम ही हो अरे ये तो चक्री चौकड़ा भी कर सकते हैं
उसने ये मंगवाया था, तो मैंने मेरे एक नीचे वाले आदमी को कहा था कि ऐसा चाहिए, उसने कहा मेरे गांव में ऐसे है, तो उसने लाके मुझे दे दिया था और मैंने उसको भिजवा दिया था। क्या बात, यहां पे कुछ हो सकता है, मेरी नजर के बाहर सिर्फ इतनी घटना है, मुझे मालूम नहीं उसने क्या किया। तुरंत फोन लगाया उसको, वो मैंने माला मंगवाया था, जो घोंसला मंगवाया था वो घोंसला कहां से, मेरे वहीं पे लाया था। कैसे लाया, कुछ नहीं, उसमें छोटा सा बच्चा था तो मैंने उसको निकाल के छोड़ दिया और वो घोंसला आपको दे दिया। अभी कभी वो तू जा और वो जो बच्चा तेरे जहां मारा था वहां पे है या नहीं है, देख ले। ये बनी हुई घटना, आप अगर बहुत क्लियर हो, अगर ब्लैक साड़ी पहनी है ना तो डार्क नहीं दिखेगा, लेकिन व्हाइट साड़ी पहनी है तो डार्क दिखेगा। आप अच्छे होंगे तो फीलिंग को प्राप्त समझ सकोगे, अगर अच्छे नहीं हो तो फीलिंग को समझ नहीं पाओगे, देख नहीं पाओगे ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। बाकी आज की घटना आज हो रही है, आज की घटना आज हो रही है। उसको बोला, वो दौड़ता हुआ गया, उसने कहा मैंने जहां डाला था वह बच्चा है, जीवित है, और वो थोड़ा सा इधर इधर उधर हो गया है, दो तीन पैर वैर कुछ टूट गए, ऐसा कुछ है, चल जल्दी उसको ले ले, इधर ले जा, वहां पे उसकी ट्रीटमेंट करवा दे। ठीक है, मैं लेके आता हूं, वो तो सर्वेंट था, जो सेठ बोलेंगे वो करेगा। वो लेके आया, हॉस्पिटल में ले गया उसकी पक्षी की, और उसमें उसकी ट्रीटमेंट चालू हो गई। लंदन से समाचार आया, बच्चा अभी ठीक है। वाह, समझ में आया, यहाँ पे बच्चा अच्छा हो गया, वहां पे वो अच्छा हो गया। परिवार इतना शालीन था कि छोटी घटना को भी वो एनलार्ज कर सकते थे, मतलब भाप सकते थे, परीक्षा में ले सकते थे। इस तरीके से आज हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो कुछ न कुछ वजह से हो रहा है, उसका कुछ न कुछ कारण है। सुख देवत सुख होत है, दुख देवत दुख होता, इजी धर्म। आज का सब्जेक्ट क्या है, इजी। अब और कुछ याद नहीं रखना है, कुछ याद नहीं रखना है। घर पे जाने के बाद में हम बोलेंगे दुख तो नहीं होगा, हम सोच रहे दुख तो नहीं होगा, हम कर रहे किसी चीज को दुख नहीं हो रहा है। अगर 5 बाउल से हो जाता है तो 10, 25, 50 बाउल क्यों बिगाड़ना, इतने जीवों को क्यों खत्म करना। खाली यूं ही लाइट चालू रहता है, खाली लाइट चालू रहती है, खाली पंखे चालू रहते हैं, खाली ये सब विराधना क्यों। अगर ये बंद हो गया, सुख देवता सुख हो गया, हम भी सुख प्राप्त कर सकते हैं। आज रक्षाबंधन का दिवस है, हमारी रक्षा इस तरीके से होगी, किस तरीके से, अगर हम किसी को सुख देते हैं तो हमारे खाते हम क्या जमा करते हैं, सुख। अगर हमारे द्वारा किसी को दुख देते हैं तो हमारे खाते में क्या आएगा, दुख। छोटा सा धर्म, छोटे से लाइन, छोटा सा सब्जेक्ट, इसको कहते हैं इजी धर्म। लाखों ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना याद कर लीजिए और इसके माध्यम से हम हमारे जीवन को अगर सही दिशा में ले जाते, हम सोचेंगे अच्छा, हम बोलेंगे अच्छा, हम करेंगे अच्छा, वही चीज होती है लेकिन ग्रंथियों से पर। कल तुमने देर की थी तो आज मैंने देर की, इसमें है क्या, मेरे को लेट होता था तब आप लेट आए थे, बराबर। अब तुमको तो मेरे को लेट हुआ तो इसमें क्या है, इतना चिल्ला चोट क्या कर दो, ये जो आदान प्रदान है ना, बदला वाले सिस्टम बदल दो, बदला वाले सिस्टम बदल दो। लोगों से बदला लेते 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 घर वाले से बदला लेना शुरू हो गया। बच्चा बाप से बदला लेता है, बाप बच्चे से बदला लेता है। तेरे को कैसे बड़ा किया मालूम है, कभी भी यह शब्द मत बोलो, तेरे को कैसे बड़ा किया मालूम है, हमको मालूम है कैसे तेरे को पढ़ाया, कैसे बड़ा किया। भाई तुमने बहुत बड़ी धारणी मानी, बड़ा करने के पीछे भी तुमका अहंकार था, स्वार्थ था, अहंकार था, इसमें धार नहीं मानी, लेकिन तुम वहां पे भी अभिमान करोगे और बच्चा करेगा अभिमान। तुमको क्या मालूम पड़ती है, मेरे को सब मालूम पड़ती है, अब तुम्हारा टाइम हो गया, बैठ जाइए। वो भी सही लैंग्वेज नहीं है। अगर हमारे घर में विचार अशुद्ध रहेंगे तो चलेगा, लेकिन शब्द अगर सही हुए तो घर का माहौल 70% तो सही हो जाएगा, फिर विचार शुद्ध हो जाएंगे, तो इस दिशा में हम आगे बढ़े तो बहुत बड़ी अच्छी बात है।
बहुत सुंदर उपास सत्र तैयार हुआ है। आज हमारे शिविर का कितना दिन है? कितनी शिविर है? परफेक्ट बढ़ लो।